7 आइटम कर देते हैं, लोगों ने 10 मिनट भी नहीं लगाए। और यही अगर किसी लेडीज के साथ या फीमेल के साथ जाओगे ना, तब देखना क्या हाल होता है। मैंने कुछ बोलना बीवी का खौफ इतना पंकज जय जय श्री राधे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी अभी मैं गया था मॉल पंकज के साथ थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, मुझे नहीं एक्चुअली पंकज को करने की, तो फिर हम दोनों गए थे। हमने कहा कि चलो घूम कर, मैंने कहा यार टाइम फ्री है तो फिर क्यों ना घूम गए हैं थोड़ा सा। और वैसे मैं ज़्यादातर कहीं भी जाता हूँ तो मना नहीं करता किसी के लिए, अगर मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट काम ना फंसा हो तो भाग जाता हूँ, टेंशन नहीं होता मुझे उतनी। टाइम हो गया, सुबह हो गया, मुझे भूख, तब तक आप इंजॉय करो इस वीडियो को, देख कर आओ क्या क्या कर रहा था क्या क्या नहीं कर रहा था, तब तक मैं खाना पीना खा लेता हूँ। एक बढ़िया चीज़ देखने को मिली, ईवी चार्जर, किसी को अपना व्हीकल चार्ज करना है तो वो यहाँ पे आकर कर सकता है। वैसे ये इसी मॉल में देखने को मिली है, वरना किसी में नहीं मिलती ईवी चार्जिंग, तो कहीं नहीं मिल पा रही। अभी फिलहाल मैं और पंकज आए हैं, एक क्या लेना है पंकज के, लेना है मुझे नहीं देखा, जो भी लेना है दिखा देंगे। हाँ एक तो जूडियो जाना, जूडियो नहीं यही तो था यही, जुड़ी हुए हैं, कुछ सामान लेना है, कपड़े लेने हैं और फिर नीचे भी कुछ सामान लेना है। लो शॉपिंग हो गई, लड़कों की शॉपिंग का ये फायदा है। कितने मिनट लगे? 5 मिनट भी लगे, 5 या 10 मिनट। और आइटम कितने? 7 आइटम है, 7 आइटम कर देते, लोगों ने 10 मिनट भी नहीं लगाए। और यही अगर किसी लेडीज़ के साथ या फीमेल के साथ जाओगे ना, तब देखना क्या हाल होता है। मैंने कुछ बोलना बीवी का खौफ इतना पंकज क्या कह रहे पंकज, क्या कह रहे पंकज, अरे डिकैथलॉन की बोल रहे हो कि दूसरे की बोल रहे हो, डीआईवाई की बोल रहे हो? क्योंकि डिकैथलॉन में तो हम लोग उस दिन गए थे तो हमें खुद नहीं मिला किचन का आइटम, हाँ ना गैस मिला, ना सिलेंडर मिला, ना स्टोव मिला, कुछ नहीं मिला, बट टेंट मिला, तंबू नहीं लेना। वैसे डीकैथ से अच्छा मुझे ये लगा, इसमें ज्यादा आइटम थे, ठीक है, मैं तो फालतू के आइटम थे। ये रही यूटेंसिल्स, पंकज देखो क्या लेने आए, खाना बनाना पड़ेगा ना, ड्यूटी चेंज हो गई अब। अरे नहीं, ही इज गोइंग टू स्टार्ट हिज ओन न्यू चैनल, दैट्स व्हाई ही इज परचेजिंग ऑल दिस स्टफ। ओके, ये मत सोचना कि घर के खाने के लिए लेके जा रहा है, नहीं अपने चैनल के लिए लेके जा रहे हैं भैया जी। ये रहो बेलन, ये रहो बेलन लेना है, ये इसके वैसे फायदे बहुत हैं, इसके मार खानी है, हाँ इसके फायदे बहुत हैं। तुम क्या मेरे को पिटवाओगे? ये क्या है तुम? ये वो शॉप करने की ट्रिक, ये मैं चाह रहा था बहुत, बीबो वाला 250 रुपये का, हाथ से नहीं छोड़ ले नहीं वो सस्ता मुरार मार्केट में सस्ता मिल जाएगा ये इस पे इनकी MRP अलग है, और हाँ जो प्राइस है ना वो अलग है, वो आपको वहाँ स्कैन करके इस पे पता चल जाएगा ना, स्कैन करके देखते हैं इसके प्राइस क्या है। 149 सही है, लेना है क्या? नहीं ये महंगा है, नहीं 60 रुपये का, और अभी सही है भी नहीं। आइटम मिल गया यार, स्टेक कबाब तो खैर अपन नहीं खाते, पर टिक्का विक्का बना के खा सकते हैं, ट्राई करें, ले आता हूँ एक बार तो लेके चलता हूँ यार, ट्राई करेंगे, पनीर टिक्का बनाया नहीं है कभी पर ट्राई करेंगे, एक ब्लॉग और आ जाएगा आपके लिए नया। बताओ बचपन में गाड़ियों के लिए तरसते थे तो पैसे नहीं थे, आज जब पैसे हैं तो गाड़ियों के लिए नहीं तरसते। पंकज प्लेन तो नहीं चाहिए था, ले लो। चलो तो फाइनली शॉपिंग हो गई, वैसे सही आइटम मिला, DIY में ज़्यादा अच्छा है और Decathlon में इतना नहीं मिल पाएंगे, ये तो है। छोटे छोटे टॉयज कितने प्यारे लगते हैं। The next day.
देख रहे हो, लेकिन आज वर्कआउट करने में मजा आया। आज वैसे मैंने लगाए हैं चेस्ट, बैक और लेग्स, तीनों बिग मसल्स हैं, उनके दो दो या तीन तीन सेट लगाए हैं। वो थोड़ा क्या है वार्म टाइप का हो जाए, एक हफ्ते तक थोड़ा मिक्स एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद करेंगे हम अपना पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए एक्सरसाइजेस। अबे यार लाइट चले गई, अंधेरा हो रहा है। आ गए घर पे भाई साहब, बाहर तो लाइट ही नहीं आ रही बिल्कुल। ये अच्छा है कि नहीं, होता हमारे यहाँ लाइट आ रही है ना। हाँ आ रही है, चल तो रहा है, हूँ की आवाज आ रही है, फिर बड़ी खतरनाक आवाज कर रहा है, पता नहीं क्यों कंप्रेसर की आवाज आ रही है उसकी। चलो जल्दी से दो मग के पानी डालें और अपने ऊपर से आ रही है पसीने और धूल की जो परत जमी हुई है उसको हटाते हैं, दिए बत्ती करते हैं, फिर बनाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। क्या मेरे साथ जाओगे क्या बाथरूम में? नहीं ना, तो वेट करो यहाँ पे थोड़ा सा। तो मैं बना रहा हूँ आज अपने लिए एक पनीर रोल, पनीर कहो या वेज रोल कहो जो भी। तो सबसे पहले मैं प्याज लूंगा, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च और ये पनीर, इनको एक अच्छा सा सौते कर लेंगे पहले। और जो ऑयल यूज कर रहा हूँ ना वो सरसों का तेल है, रिफाइंड ऑयल यूज नहीं कर रहा मैं, सरसों का तेल यूज कर रहा हूँ। बस इसमें ये सारी वेजेस डाल दो अपनी, उसी में पनीर डाल दो, ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। अब उसमें चिली फ्लेक्स और ओरेगानो डाल देंगे। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल और टाइम भी नहीं लगता। जो मेरी तरह अकेले रह रहे हो, सिंगल लौंडे हो, वो ट्राई कर ले, और जो फैमिली के साथ है ना वो भी ट्राई करें, अच्छा रोल है। घर पे बनाओ, बच्चों को खिलाओ, सबको खिलाओ, वाइफ को खिलाओ, खुश हो जाएगी। ये देखो बस गैस ऑफ, अब उसको लगा लेंगे हम अपनी रोटी पे, क्योंकि जो नॉर्मल रोटी बनी होती है ना उस पर लगाएंगे आराम से, ऑफ लगा के रोल करके सोचते हो यार क्या नौटंकी करता रहता है। ये हो गई हमारी रोटी रेडी, अब इसमें ये मिक्सचर लगा देता हूँ मैं, अच्छे से फैला देंगे इसको पूरी रोटी पे, ऊपर से हल्का सा केचप, मुझे केचप अच्छा लगता है इसलिए मैं केचप मिला दे रहा हूँ, आपको नहीं लगता तो मत डालो। बस इसका बनाएंगे एक रोल बहुत ही पोलाइटली, और ये आपका रोल रेडी। हाय गर्मी, ये स्नोयर कर दे, फैन ऑफ करो। तो ये है मेरा आज का डिनर, साथ में छोले, सुबह के छोले बचे हुए थे, ये भी बिल्कुल मैंने बिल्कुल कम से कम ऑयल में बनाए हैं, बिल्कुल एक तरह से उबले ही समझ लो इतना। तो ये हमारा रोल और एक सिंपल रोटी, दैट्स इट। ट्राई जरूर करना एक बार, बहुत टेस्टी है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। हो गए पेट पूजा और अब नहीं है काम दूजा, नहीं वैसे काम तो बहुत सारे हैं, अभी एडिटिंग वगैरह करनी है, काम यार काम कहाँ खत्म होते हैं लोगों की जिंदगी में से। चलो कोई नहीं, इसी के साथ हम इस ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक तो ऐसा कुछ नहीं है यार, जो मेरी डेली लाइफ है वही लाइफ है। इंटरेस्टिंग क्या लेके आऊंगा मैं तुम लोगों के, जो है वो यही है। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो भैया लाइक कर दो, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। जय जय श्री राधे।